मुख्यमंत्री मनोहर लाल की जन आशीर्वाद यात्रा जैसे ही करनाल के अग्रसेन पहुंची, पूरा अग्रसेन चौक भारत माता की जय, मनोहर लाल जिंदाबाद के नारों से गूंज उठा। चौथे दिन गुरुवार को जन आशीर्वाद यात्रा करनाल पहुंचने पर भारी भीड़ ने अपने सीएम का स्वागत किया। मुख्यमंत्री ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि यह यात्रा 18 अगस्त को कालका से माता के आशीर्वाद से शुरू की थी, आज चौथे दिन आप लोगों के बीच पहुंचा हूं। इस यात्रा के दौरान जनता ने उन्हें खूब प्यार दिया है। सीएम ने कहा कि जन आशीर्वाद यात्रा की सभी 90 विधानसभाओं से गुजरेगी। जब जन आशीर्वाद यात्रा अपनी 2100 किलोमीटर की यात्रा तय कर लेगी तो 8 सितंबर को रोहतक में इसका समापन होगा। इस समापन कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद अपना आशीर्वाद देने आएंगे। पंचकुला से चली मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के नेतृत्व में निकाली जा रही जन आशीर्वाद यात्रा आज करनाल पहुंची। करनाल में पहुंचने पर महाराजा अग्रसेन चौक पर यात्रा का जोरदार स्वागत किया गया। यहां पर करनाल की मेयर रेणुबाला गुप्ता अपने समर्थकों के साथ मौजूद रही और उन्होंने मुख्यमंत्री की जन आशीर्वाद यात्रा का फूल वर्षा के साथ स्वागत किया। वहीं इस अवसर पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा करोड़ों रुपए की विकास एवं विकास कल्याणकारी योजनाओं का शिलान्यास एवं उद्घाटन भी किया गया। वहीं इस अवसर पर अग्रसेन चौक पर सबसे बड़ा झंडा लगाया गया है, जिसको मुख्यमंत्री की जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री के ओएसडी द्वारा झंडे का अनावरण कर जनता को देखने के लिए और देशभक्ति का जज्बा पैदा करने के लिए जनता को समर्पित किया गया है। इस अवसर पर संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने लोगों से चुनाव में अपना आशीर्वाद देने की अपील भी की। जन आशीर्वाद यात्रा का गांधी चौक पर जेबीडी कल्याण समिति की ओर से फूल बरसाकर जोरदार स्वागत किया गया। गौरतलब है कि यह यात्रा पंचकुला से 18 तारीख को केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा झंडी दिखाकर रवाना की गई थी, जिसका नेतृत्व हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर कर रहे हैं। करनाल में यात्रा का 55-56 स्थानों पर जोरदार स्वागत किया गया। देखिए करनाल में पहुंची जन आशीर्वाद यात्रा की कुछ आकर्षक झलकियां। भाइयों बहनों, ये यात्रा जन आशीर्वाद यात्रा 18 तारीख को कालका जी से शुरू की थी। कुल मिलाकर 90 की 90 विधानसभाओं में लगभग 2600 किलोमीटर तय करके 8 सितंबर को रोहतक में इसका समापन होगा। स्वयं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी उसमें आकर आपको आशीर्वाद देने वाले हैं। इस यात्रा का सीधा उद्देश्य 2014 से जैसे आप लोग ने आशीर्वाद दिया, हमने पहली बार भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। हमने पूरी ईमानदारी से, तन्मयता से, कर्मठता से दिन रात करके पूरे हरियाणा का विकास कराया। बहुत सी व्यवस्थाएं बदली, जनता को खुशहाली के लिए बहुत योजनाएं बनाई और समाज में भी कुछ जो समस्याएं सामाजिक दिशा इसको बदलने के लिए भी हमने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और इस प्रकार से स्वच्छता अभियान और एक प्रकार से ये जो पेड़ लगाने का अभियान और तरह तरह के पानी बचाओ का अभियान, तरह तरह के ऐसे अभियान जो आगे चल करके हमारे संकट को बढ़ा सकते हैं। पर्यावरण की दृष्टि से पेड़ लगाने की हमने एक मुहिम चलाई है, तो कई प्रकार के कामों को ला करके यहाँ तक पहुंचे हैं। अभी भी नई नई व्यवस्थाएं हम खड़ी कर रहे हैं, चाहे वो मेरी फसल मेरा ब्यौरा हो, मेरा पहचान परिवार पहचान पत्र की स्कीम हो। कल ही हमने बीपीएल के 56,000 कार्ड 11 साल के बाद बांटे और इस काम को गरीबों के लिए लगातार खोल दिया है, ताकि जो पात्र परिवार है जो कंडीशन पूरी करता है कभी भी फार्म भरे, सर्वे के कार्ड उसके लगातार बनते रहे। और हाँ, जो पात्रता से बाहर हो गया, जिसकी इनकम 15,000 रुपए महीने से ज्यादा हो गई है, वो पात्रता से बाहर हो जाएगा, उनको निवेदन है कि अपना बीपीएल का कार्ड का ये छोड़ भी दे, ताकि नए लोगों को उसका लाभ हो सके। तो ऐसी सब योजनाएं बनाते हुए हमने 5 साल का कार्यकाल बिल्कुल आप संतुष्टि से कह सकते हैं कि ठीक था। तो एक बार मेरा समर्थन दोनों हाथ खड़ा करके करें, भारत माता की। इसलिए आज की यात्रा के माध्यम से मैं पूरे हरियाणा की जनता से और खास करके करनाल की जनता से अगले 5 वर्ष का कार्यकाल आपको आशीर्वाद दे। हमारा जो लाइसेंस 2 महीने बाद एक्सपायर होने वाला है, उसको रिन्यू करने का अधिकार आपको पास है, आप वो रिन्यू करें, ये मेरा निवेदन है। आज
करनाल जिले के 19-20 प्रोजेक्ट चाहे उनके शिलान्यास थे चाहे उनको उद्घाटन थे 100 करोड़ से भी ऊपर की राशि के सभी विधानसभाओं में हमने किए हैं। एक बड़ा कार्यक्रम और अभी करना है। मैं डीसी महोदय को हमारे उपायुक्त महोदय को ये कहूँगा रिक्वेस्ट करूँगा कि एक ध्वज वो यहाँ लहराया है उन्होंने लहरा दिया है तो उस ध्वज के लहराने पर भी इस अवसर पर मैं करनाल वासियों को बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत अभिवादन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः अपेक्षा 5 वर्ष के लिए आशीर्वाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अमरेंद्र जी आप जो जन यात्रा का स्वागत किया जा रहा है क्या कहना चाहेंगे आप लोग पूरी बोलवाई हमारे लिए ये बहुत ही सौभाग्य की बात है कि हमें आज़ादी के बाद जब हरियाणा का राज्य बना पुनर्गठन हुआ हरियाणा राज्य का उसके बाद पहले ऐसे मुख्यमंत्री मिले हैं माननीय श्री मनोहर लाल जी खट्टर जो अपने पूरे 5 साल के कार्यकाल का हिसाब जनता से पूछने आ रहे हैं कि उनका कार्यकाल कैसा लगा। जो भी उन्होंने उनके कार्यकाल में हरियाणा ने एक विकास की गति पकड़ी उसके बारे में वो जन जन की राय जानने आ रहे हैं। जेबीडी कल्याण समिति की ओर से क्या किया जाएगा? जेबीडी समाज कल्याण समिति वो ये उनका जो भी करनाल के अंदर ये जन आशीर्वाद यात्रा बरड़ी चौक से लेके नमस्ते चौक तक जाएगी उसमें ये तीसरा गेट जो है जेबीडी समाज कल्याण समिति को महात्मा गांधी चौक के ऊपर दिया गया है और आप देख रहे हैं करनाल से शहरी मंडल से हमारे रामनगर मंडल से हमारे काछवा मंडल से सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कितने उत्साहित होकर उनका यहाँ पर स्वागत एवं अभिनंदन करने के लिए तैयार खड़े हैं और हम सबसे प्रार्थना भी कर रहे हैं कि उनकी पत्नियों द्वारा उनके ऊपर पुष्प वर्षा की जाए और उनको आगे इस बात के लिए पूरी तरह से आश्वस्त करके भेजा जाए कि क्योंकि उन्होंने पूरा हरियाणा देखना है तो करनाल की तरफ से हम सब उनको निश्चिंत करके भेजेंगे कि करनाल की जनता पुरजोर जोर लगाएगी और उनको यहाँ से निश्चित रूप में हरियाणा के सीएम के रूप में देखना चाहेगी। हम सब इसी उसके लिए एकत्रित हुए हैं और मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने हमारा एक बहुत पुराना सपना था कि हमारे एडवोकेट चैम्बर भाई जो यंग लॉयर्स थे जिन पे चैम्बर्स की जगह नहीं थी उसके लिए ज़मीन पहले मुहैया कराई गई थी और उसका लेकिन जो प्रोसेस था वो काफ़ी टाइम से लटका हुआ था लेकिन कुछ 3 महीने के अंदर सीएम साहब की और डीसी साहब ने जो उस पर एफर्ट दिखा के इसको कंप्लीट करा के आज हमारा शिलान्यास किया है। एक हमने नींव पत्थर लगाने के लिए हमने उद्घाटन किया गया था तो माननीय सीएम साहब का मैं बहुत बहुत तहे दिल से आभार प्रकट करता हूँ सारी भार की तरफ से करता हूँ सारे अपने एग्जीक्यूटिव मेंबर की तरफ से करता हूँ कि उन्होंने अपना बहुत कीमती वक्त दिया और आज उन्होंने अपनी जो बात रखी और हमको ये एश्योरेंस भी दिया जाके एक एमसी ट्रिब्यूनल भी है वो भी करनाल में आने जा रहा है जल्द। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर बेल आइकन को दबाए।